दूं। ये देखो जी, भिंडी। अब मैं इस चीज में सक्सेसफुल हो गई हूँ कि ये देखो शिमला मिर्च बन रही है। ये है घोंसला टेलर बर्ड का। तो जी बर्ड हाउस हमने बनाया और ये हमने लगाया यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। मैंने सोचा आज आपको जो मैंने नई नई सब्जियाँ उगाई है ना, उनका मैं थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दूँ। ये देखो जी, भिंडी पहले भी मैंने तोड़ ली है और अब देखो मैंने कई सारे पौधे लगाए भिंडी के, तो भिंडी भी चल पड़ी है। और ये शायद खीरे की बेल है और देखो चलती है नहीं कि नहीं, क्योंकि कई बार एक दो तो मर भी चुकी है मेरी बेल। और उसके बाद जो दूसरी सब्जी है ना, वो है शिमला मिर्च, जो कि अब मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई हूँ कि ये देखो शिमला मिर्च बन रही है। इसमें भी बन रही है और एक और पौध है मेरे पास शिमला मिर्च की, वो भी मैं दिखाऊंगी, उसमें भी बन रही है। और ये भी भिंडी है, ये भी भिंडियाँ बन रही हैं। और ये पीछे बैंगन बन रहे हैं, ये देखिए बैंगन। ये तीन सब्जी तो हो गई। और ये है नींबू, इसमें भी तीन चार नींबू चल ही रहे हैं। और ये इधर भी भिंडियाँ बन रही हैं, ये देखिए इसमें भी भिंडी। ये देखो ये मैं तोड़ ही लूँगी आज, नहीं तो ये पकनी शुरू हो जाएंगी। और ये बैंगन। तो जी ये था सब्जियों का वीडियो आज का। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी ही बढ़िया। और यहाँ भी मैंने बड़ी सारी सब्जियाँ उगा रखी हैं। ये इसमें घिया की बेल चल रही है, देखो घिया कैसी आती है। ये बैंगन है और ये भी इधर एक बैंगन है। और एक और इसका बहुत बड़ा ब्रांच टूट गया था, क्योंकि ये जो पेड़ है ना आम का, इसका बहुत बड़ा डाल गिरा था अभी, और उसमें आम भी लगे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो उससे ये डैमेज हो गया था ये वाला मेरा। पर अभी एक ही डाली बची है तो उसमें फूल आ रहे हैं और इसमें भी सब्जी बन रही है, बैंगन बन रहा है। तो ये मैं जो दिखाना चाह रही थी ना, ये देखिए, ये है घोंसला टेलर बर्ड का। देखो कैसे सिल के बनाया हुआ है। जब मेरा एक दिन ध्यान गया ना, तो मैंने कहा अरे वाह, ये यहाँ से इस साइड से एंटर करती है। और मैंने एक दिन चढ़ के झाँक के देखा था तो इसमें अंडे थे। तब से मेरे दिमाग में ना चल रही है बात कि घोंसलों के लिए कुछ किया जाए। एक घोंसला इसमें बनाया है फर्न में, थोड़ा सा इसी की डंडियों में मिक्स हो रहा है शायद, नज़र ना। हमारे यहाँ पर पंछी बहुत हैं, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा ग्रीनरी कितनी है। तो चिड़िया नीचे आकर के ही घोंसले बनाती हैं, सिक्योर सी जगह ढूंढ करके, क्योंकि पेड़ों पे बनाती हैं तो उनको बड़े पंछियों से खतरा होता है। वैसे मैंने एक ये बर्ड हाउस टांगा हुआ है, बट इसका कोई यूज़ नहीं रहा और इसमें जंग भी लग लग के ये ख़राब होने लगा है। ये शो का है, इसमें कभी कोई चिड़िया घुसी ही नहीं। इसको मेरे को उतारूंगी, इसको पेंट करूंगी। तो जी ये सोचते सोचते ना, तो हमारा दिमाग काम कर गया, हमने करा एक काम, चिड़ियों के लिए बनाया है बर्ड हाउस। वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले आप एक ये फूल देखिए, इस फूल की खूबसूरती। ये खिलते रहते हैं, कभी किसी दिन एक खिल जाता है, किसी दिन दो खिल जाते हैं, किसी दिन कोई भी नहीं खिलता। आज ये खिला है और कल इसकी बारी है। और ये गोरी चोरी खूब भर रहा है फूलों से, आधे झड़ गए हैं। तो ये बर्ड हाउस हमने बनाया और ये हमने लगाया यहाँ पर। हमारे पास एक डब्बा था तो कबाड़ी आया, कबाड़ी को सामान भी हम बेच रहे थे, अखबार वगैरह, तो डब्बा भी पड़ा था, उठाने लगा। तो हाँ, हमारे दिमाग में पहले से ही था कि हमने ना बर्ड हाउस बनाना है। तो बोला, मैंने कहा ये मत लेके जाओ। तो बोला क्या करोगे, चिड़ियों का घोंसला बनाओगे? मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता? तो कहता सब यही करते हैं। तो हमने भी किया, हालांकि हम बहुत पीछे रह गए। तो लोग बाग बना रहे हैं, लगा रहे हैं, चलो कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो हमने ये बनाया, अभी इसको कोई सजाया नहीं हमने बिल्कुल भी, जैसा था डब्बा, ये आते हैं ना डिलीवरी बॉक्सेस जो होते हैं, वही था। और इसमें होल किया, पीछे तार बांधी और एक ये ट्विग लगा दी कि इस पे चिड़िया बैठे और सक्सेसफुल होगा। तो हम और जो सारी जगह है ना, यहाँ पर एक दो तीन चार जितने आएंगे ना, हम लगा देंगे, जितने अब मेरे को डब्बे मिलते चले जाएंगे। मैंने YouTube देखा, देखा लोगों को बहुत जुनून है, अब हमें भी जुनून स्टार्ट हो गया।
लोगों ने बड़े बड़े बर्ड हाउस लगा रखे हैं, एक दो लगाते हैं चिड़िया आएगी तो फिर ये जो है ना यहाँ भी लगा देंगे हम, यहाँ की वॉल्स पे भी क्यों ना लगा दें पंछियों के लिए। सच में अब तो मैं माइक से बात कर रही हूँ, पता नहीं पंछियों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी इतनी पंछियों की आवाज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर मेरा अब मकसद हो गया है कि अगर गोरैया भी यहाँ पर आ जाए ना, जो कि गायब हो गई है, सभी का वही मकसद है गोरैया आनी चाहिए, तो बहुत ही मेरे को तो सच में ना बहुत ही खुशी होगी इस बात की। तो और ये देखिए प्लांट्स, और वो उधर जो है ना वो सारे धूप के मैंने उधर कर दिए हैं, कैक्टस, गुड़हल और बुगेनविला, रात की रानी, क्योंकि ये जिधर भी छाया में होते थे ना इनको ना फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती थी। और देखो रात की रानी इधर धूप में आती है ना, ये देखो बंचेस में इसकी बर्ड्स आने शुरू हो गई हैं, और ये गुड़हल भी, ओ सॉरी बुगेनविला में भी फूल ही फूल है। और ये देखिए, तो जी अब है मकसद घोंसलों का और गोरैया को वापस लाना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर आपसे फिर बात करूँगी फिर नई किसी टॉपिक के बारे में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।